जीवित पुत्री का व्रत, जिसे हम आम बोलचाल में जितिया कहते हैं, जितिया भी कहा जाता है, इसे लेकर कई दिनों से संशय बना हुआ है कि नहायक है, किस रोज है पर्व, किस रोज करना है, यानी उपवास किस रोज करना है, अपारण किस रोज करना है, इसे लेकर के संशय बना हुआ है। कई तरह की चर्चाएं हो रही है फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, और हम माताओं के बीच में यह बात चर्चा हो रही है कि आखिर हम यह त्योहार, हम यह पर्व किस रोज करें, 6 को करें या 7 को करें। लेकिन आज गढ़देवी मंदिर के मुख्य पुजारी राजन पांडे जी द्वारा गढ़देवी मंदिर परिसर में हम लोग को बुलाया गया, यानी सभी मीडिया को बुलाया गया, और वहां पर सभी विद्वत जन मौजूद रहे उनके साथ। आप देख भी रहे होंगे सभी मंदिर परिसर जो है वहां पर सभी मौजूद हैं। इनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि जो नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में इस पर्व को किया जाता है, वो यानी 5 को यानी कल नहाय खाय होगा, 6 को उपवास होगा और 7 को पारण होगा। सभी विद्वत जन जो मौजूद रहे वहां पर, उनके द्वारा इस पर्व को लेकर के क्या समय निर्धारित किया गया, क्या बताया गया, जो समय निर्धारित है उसके बाबत उनके द्वारा जानकारी दी गई। आइए आपको हम बारी बारी से सुनाते हुए यह बताते हैं कि किस रोज जितिया के पर्व को करना है, किस रोज नहाय खाय करना है, किस रोज उपवास करना है और किस रोज पारण करना है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपके मन के संशय को दूर करना जरूरी है। उसी संशय को दूर करने के लिए ही विद्वत जनों द्वारा हम मीडिया से मुखातिब हुआ गया उनके द्वारा, और बताया गया कि इस त्योहार को किस रोज करना है, किस रोज पारण करना है। तो ध्यान से सुनिए जी, जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर के बहुत असमंजस की स्थिति आ गई है, और कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करने के चलते लोग भ्रम में हैं। उनके बारे में सभी पंचांगों और निर्णय सिंधु के जो निर्णय है उसके अनुसार यह व्रत को गुरुवार को नहाय खाय, यानी कि 5 अक्टूबर गुरुवार को नहाय खाय करना है, 6 अक्टूबर को यह महाव्रत का पालन करना है, 7 अक्टूबर को 10:21 तक अष्टमी तिथि है, उस अष्टमी तिथि के उपरांत 10:21 के बाद इस व्रत का पालन कर लेना है। इस व्रत के बारे में हम सभी विद्वतजन आपस में विचार विमर्श करके यही निर्णय लिए हैं, आप लोग इसी पर अमल करें। नमस्कार। इस वर्ष जीवित पुत्रिका व्रत मनाने की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति है। जीवित पुत्रिका व्रत मनाने में 2 बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक रहता है, जिसमें प्रदोष काल व्यापनी अष्टमी अथवा जिस दिन अष्टमी में सूर्योदय हुआ उस दिन यह देखा जाना आवश्यक होता है कि अष्टमी तिथि 11 दंड 8 फल व्याप्त है कि नहीं। 7-10 को 10 दंड 28 फल ही अष्टमी तिथि व्याप्त है, इसलिए जीवित पुत्रिका 6-10-2023 को प्रदोष काल व्यापनी अष्टमी होने के चलते मनाया जाएगा, और अगले दिन 7 तारीख को 10:21 के बाद इसका पारण होगा। यह पहला बार ऐसा नहीं कि सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि को पंचांग द्वारा मुहूर्त निर्धारित किया गया। हम लोगों ने पाया कि पूर्व में 1992, 1993, 2001, 2003, 2007 आदि वर्षों में भी सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि को मुहूर्त निर्धारित है। अतः हम विद्वत जनों ने यह निर्णय किया कि पंचांग से मुहूर्त का निर्धारण होता है, और सभी पंचांगों में, हृषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग के साथ साथ अन्य पंचांगों में भी जीवित पुत्रिका व्रत मनाने का मुहूर्त 6 अक्टूबर को निर्धारित है। अतः मेरे मुताबिक या उपस्थित विद्वत जनों के मुताबिक जीवित पुत्रिका व्रत उपवास की तिथि 6 तारीख है, अतः नहाय खाय 5 तारीख और पारण 7 तारीख को 10:21 के बाद। मंगलम अस्तु। हमारे आदरणीय सम्मानित सभी माँ गढ़देवी के प्रांगण में विद्वत जन, इस वर्ष जीवित पुत्रिका के संबंध में शास्त्रों के द्वारा कोई संशय नहीं है, लेकिन कतिपय लोगों के द्वारा
दिग्भ्रमित किया जाता है, भ्रम फैलाया जा रहा है, जो कि एक सनातन धर्म का एक भया दोहक समुदाय कह सकते हैं उसे। ये हमारे सनातन धर्म में वीर विक्रमार्क राजादा राजा विक्रमादित्य के जमाने से ही ये हृषिकेश पंचांग और विक्रम संवत का प्रारंभीकरण किया गया है। और हृषिकेश पंचांग जो है काशी प्रचारिणी सभा विद्वत जन के निर्णय के अनुसार ही पंचांग छपते हैं। अन्य पंचांग महावीर पंचांग, आदित्य पंचांग इत्यादि पंचांग जो है ये सब भी विद्वान ज्योतिषियों के द्वारा निर्माण कर बनाए जाते हैं, जो कि हर वर्ष जो है उसी के अनुसार व्रत त्योहार का और विविध मुहूर्तों का निरूपित किया जाता है और उसी के अनुसार सारे हिंदुस्तानवासी उस पंचांग का ही अवलोकन करते हैं। इस वर्ष जीवित पुत्रिका व्रत में लोग संशय जानबूझ करके डाल रहे हैं। जीवित पुत्रिका दिनांक 6/10/2023 को है और दिनांक 7/10/2023 को 10:21 के बाद पारण है। दिनांक 6/10/23 को संध्या समय में जीवित पुत्रिका व्रत का पारण है। श्रद्धालु लोग दिग्भ्रमित न हो, शास्त्र सम्मत विधि सम्मत जीवित पुत्रिका व्रत दिनांक 23/6 के ही मनाएं और 7/10/23 को 10/21 के बाद पारण करें। धर्म जो है सभी विद्वत जन और सभी श्रद्धालु भक्त इस वर्ष जीवित पुत्रिका के व्रत करने में जो संशय बना हुआ है, कुछ लोगों के द्वारा जो यह बात भ्रमित किया जा रहा है कि 7 तारीख को जीवित पुत्रिका होगा, यह अन्यथा गलत है, सर्वथा गलत है। जीवित पुत्रिका में यह निर्णय लिया गया है कि जिस तिथि में प्रदोष काल में अष्टमी हो उसी तिथि में जो है जीवित पुत्रिका का व्रत का उपवास और राजा जिमुत वाहन के द्वारा उसमें पूजन किया गया है। इसलिए इस वर्ष का जीवित पुत्रिका का व्रत 6 तारीख को मनाया जाएगा, 7 तारीख को 10/21 के बाद पारण होगा, जो इस जगह सभी उपस्थित विद्वत समाज ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, यह सत्य है। इस वर्ष जीवित पुत्रिका के व्रत के बारे में हमारे विद्वत मंडली जो बोल चुके वो सब सही है, जो हमारे साथ सम्मत है, और महावीर पंचांग सभी पंचांग वही बतला रहे हैं, जो 6 तारीख को व्रत रखा जाएगा और 7 को 10:21 पर पारण किया जाएगा व्रत का।